बीते दिनों ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। उनके इस आरोप का कई साधु संतों ने खंडन किया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने के 5 दिन बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्य से परे है। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम समेत चारों धाम के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के बारे में भी बताया। शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनसे सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये आरोप तथ्य से परे है। जवाब देते हुए धामी ने आंकड़े भी बताए। धामी ने कहा कि अब जब से मंदिर का निर्माण और नव निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक इतना सोना मंदिर में नहीं आया होगा। उन्होंने एक आंकलन देते हुए बताया कि इसका चौथाई हिस्सा ही आज तक मंदिर में आया होगा। सीएम धामी ने कहा कि इस मामले पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर समेत में साधु संतों ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि साधु संतों ने भी इस आरोप को तथ्यों से परे बताया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वो बाबा केदारनाथ का धाम है और बाबा के घर में कोई इस तरह का कृत्य करेगा तो बाबा की नजरों से वो बच नहीं सकता है। बता दें कि बीते दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनंत अंबानी की शादी के लिए मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। यहां से निकलने के दौरान स्वामी ने केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का आरोप लगाया था। अब पुष्कर सिंह धामी ने उनके आरोपों का खंडन किया है। धामी ने चारों धामों के नवनिर्माण में पीएम मोदी के योगदान को लेकर उनको धन्यवाद भी दिया है।